निमोनिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाएगा पीसीवी का टीका। मंडलायुक्त ने किया मीडिया कार्यशाला का शुभारंभ। बरेली मंडलायुक्त रणवीर प्रसाद ने यूनिसेफ द्वारा आयोजित मीडिया कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए संबोधन में कहा कि 7 जिलों बरेली, बदायूं, पीलीभीत, सहजापुर, कन्नौज, फारुखाबाद और कासगंज में 29 मई से पीसीवी, न्यूमोकोकल, कांजुगेट वैक्सीन नियमित टीकाकरण में शामिल किया जा रहा है। मंडलायुक्त ने कहा कि सरकार की एक अच्छी पहल है, ये टीका बाजार में बहुत महंगा है और सरकार द्वारा मुफ्त बच्चों को लगाया जाएगा। नई वैक्सीन के बारे में जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर विनीत कुमार शुक्ल ने कहा कि ये टीके 6 हफ्ते, 14 हफ्ते और 9 माह की उम्र पर दिया जाएगा। ये नई वैक्सीन जो है रूटीन इम्यूनाइजेशन में इंट्रोड्यूस की जा रही है इन 7 जिलों में। पहले अन्य 12 जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा था और अब इन 7 जिलों में इसको जोड़ा जा रहा है। अभी प्रेजेंटेशन डिटेल होगा, उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से जो निमोनिया है उसका एक जो वर्जन है न्यूमोकोकल निमोनिया, इसके कारण हमारे बच्चों की मृत्यु होती है और उसके अलावा मृत्यु ना होने पर भी जो निमोनिया से अगर ग्रसित होते हैं तो उसके कारण उनकी लाइफ स्टाइल में, उनके जीवन शैली में, जीवन की गुणवत्ता में पर प्रभाव पड़ता है। ये वैक्सीन ऑलरेडी प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ उपलब्ध थी और 4,000 के आसपास इसकी कीमत थी। इसको सरकार ने प्रयास करके मास इंट्रोडक्शन के कारण कम दाम पर इसको सरकारी खर्चे पर रूटीन इम्यूनाइजेशन के माध्यम से देने का निर्णय लिया है और आशा इसी ये है कि जो हमारी मोर्टेलिटी है उसमें कमी आएगी, मॉर्बिडिटी में कमी आएगी और इन जनरल जो है बच्चों का स्वास्थ्य इम्प्रूव्ड होगा। आप जानते हैं कि हमारे देश में का जो ये नेशनल हेल्थ मिशन, उसके पहले नेशनल रूरल हेल्थ मिशन शुरू हुआ था, उसमें बहुत ही बड़ा लक्ष्य लिया गया था जिसमें स्वास्थ्य के कई सारे इंडिकेटर्स हैं उन पर उनको उनका सुधार करने की का लक्ष्य था। उसमें एक महत्वपूर्ण है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, अभी भी ये 2 डिजिट्स में है और काफ़ी हाई 43 नेशनल एवरेज है, 50 के आसपास हमारा स्टेट का एवरेज है। तो एक जब हम लोग विकसित राष्ट्र बनना चाह रहे हैं, एक सुपर पावर बनना चाह रहे हैं, तो ये फिगर्स जो है उसमें मैच नहीं करती, टैली नहीं करती कि अगर हम पूरे विश्व को का गुरु बनना चाहते हैं, उनको हम गाइड करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट इतना हाई है तो हम लोग उस श्रेणी में खड़े होने के लिए योग्य नहीं हो पाएंगे। इसलिए आवश्यक ये है कि इन इंडिकेटर्स को इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए एक तो संसाधन होने चाहिए और दूसरी बात है अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। ये मीडिया कार्यशाला उसी का एक उसी कड़ी में है। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले मिजल्स रूबेला वैक्सीन का बहुत बड़ा कैंपेन चला था। ये जो पीसीवी वैक्सीन है न्यूमोकोकल निमोनिया के विरुद्ध ये अभियान है और रूटीन इम्यूनाइजेशन में जुड़ रहा है। इसके पूर्व 12 जिलों में ये चल रहा था, अब ये 7 जिलों में और इसको जोड़ा जा रहा है। आज उसके लिए उसी संबंध में मीडिया की कार्यशाला है जिसमें मीडिया को जागरूक किया जा रहा है इस वैक्सीन के बारे में। और आपने देखा होगा कि मीडिया की जागरूकता के कारण पिछली बार हम लोगों ने जो मिजल्स रूबेला का जो कार्यक्रम था बड़ा ही सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ था, 98% से ज़्यादा उसमें कवरेज हुई थी। हम लोग का आशा है कि इसमें भी उसी तरह के परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि इसमें कैंपेन मोड में इसको नहीं चलाया जा रहा है और इसको जोड़ा जा रहा है और जैसे जैसे बच्चे 1.5 महीने से ऊपर होते जाएंगे उनको ये वैक्सीन दी जाएगी और ये इसके बारे में सभी ANMs को, जितने भी हमारे स्टाफ हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है और कोल्ड चेन में भी इसको कोल्ड चेन को भी सुदृढ़ कर दिया गया है जिससे कि वैक्सीन उसमें जुड़ जाए। सर ये कब से चालू हो जाएगी? ये अब चालू हो गई, ये आपके जब भी 1.5 महीने का बच्चा आएगा उनको इसका टीका दिया जाएगा।
डेढ़ महीने के बाद से बड़ा जो भी होगा, कैंपेन मोड में नहीं है कि सभी जो छूटे हुए उनको दिया जाएगा। अब जैसे जैसे बच्चे वैक्सीनेशन के योग्य होंगे उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।